हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ, तो रावण दहन करने। जो आपको एक एक पार्ट दिखाऊंगा। ये जो आप जन सैलाब देख रहे हैं, ये गांधी मैदान जा रही है रावण दहन करने के लिए। माहौल देखिए आप, फ्लोर के ऊपर भी और फ्लोर के नीचे भी। और जैसे जैसे गांधी मैदान के पास जा रहे हैं, आप भीड़ देख पा रहे होंगे। भीड़ देखिए, क्या खूबसूरत नज़ारा होगा कि जब गांधी मैदान में सारा भीड़ एकत्रित होगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है। पूरा पटना आज एकत्रित हो चुका है। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ इतना भीड़ एक साथ। ये जो भीड़ देख रहे हैं, पहली बार मैं इतना भीड़ देख रहा हूँ। मतलब रैली वगैरह में भी नहीं जाता, आज देखिए भीड़ देखिए आप। और वहां पे देखिए छुटकू छुटकू मुंह पाए हुए रावण, वो दिखाता हूँ थोड़ा और आगे जाकर। ओह माय गॉड, और यहाँ पे लोग ऐसे बैठे हैं जैसे पिकनिक मना रहे हैं। मतलब यही तो है एक दिन, दशहरा का एक दिन। मतलब आज रावण जलाकर, और ये देखिए लोग अपने पूरे फैमिली के साथ। देखिए यहाँ पे लोग, आप यहाँ से देखिए भीड़ देखिए। जगह को, इस इतिहास को दिखाए, उन्हें बताए कि धर्म क्या है। और देखिए ये तीनों रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, तीनों को आज निपटा दिया जाएगा नए तौर तरीके से। और आप देखिए सबसे पहला एक्सपीरियंस है हमारा जो इतने भीड़ के साथ में देख पा रहा हूँ। ये जो आप जूम देख रहे हैं, ये पटना का गांधी मैदान है। और बहुत ही मतलब सभी लोग एक्साइटेड। आज तो रावण गया, आज तो रावण गया, मेघनाथ भी जाएगा और सब जाएगा। चलिए देखते हैं। बहुत एक्साइटेड, पहली बार इतने भीड़ को देख रहा हूँ एक साथ में। पहली बार, मतलब कि मैंने कभी नहीं देखा था। मैं रैली तक में भी नहीं गया था, स्टेडियम में गया था, स्टेडियम में देखा था वो भीड़। लेकिन इतना ज़्यादा स्टेडियम में भी भीड़ नहीं हो पाता है। जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम 5 लाख से तो ऊपर ही होगा मेरे ख्याल से। चलिए आज आपको रावण दहन दिखाऊंगा मैं पूरी। फर्स्ट टाइम पटना में मेरा ये एक्सपीरियंस है कि रावण दहन देख पा रहा हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो देखिए अपने पूरे फैमिली के साथ आए हुए हैं। यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं जैसे मेरा पिकनिक, मतलब कि साल का ये सबसे बेस्ट दिन है। चलिए तो आज आपको दिखाते हैं। अभी अतिथियों का स्वागत हो रहा है, उसके बाद जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी का स्वागत किया जा रहा है। मैं काफी दूर में हूँ, हमारे कैमरे में कैद नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री जी मौजूद है, मैं चाहूंगा कि पटना वासी, बिहार वासी, जय श्री राम। चूंकि बिहार माता जानकी की भूमि है, हम माता सीता के संतान है, तो निश्चित तौर पर जय सिया राम का घोष जोरदार आना चाहिए। बोलिए एक बार जोर से मेरे साथ, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नहीं है, देखिए उनका नाम ही उनकी पहचान है। चढ़कर इतना भीड़ है, लोग आ नहीं पा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी यहाँ पे रावण दहन देखने के लिए देखिए छत पे चढ़े हुए लोग। पटना के सांसद आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय तेज प्रताप यादव जी रावण दहन देखने के लिए आई हुई है। और सम्मानित मंच पर आई हुई सेना परिक्रमा लगा रही है, ये दूसरी परिक्रमा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
माहौल बन रहा क्योंकि बुराई का नाश हो रहा था, अन्याय का नाश हो रहा था, जो लगातार मानव जाति पर जय जय श्री राम। लंका जल रही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही कुछ आतिशबाजी शुरू हो चुकी है और सोने की लंका जल रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। और यहाँ पे तुम चरण खत्म, जय श्री राम। कौन चरण का यहाँ पे अंत होता हुआ, जय श्री राम, जय श्री राम। विजय हमेशा हमेशा सत्य की विजय होती है। लेकिन कहते ना कि जब अहंकार का परत जब चढ़ जाता है, क्या बात है, देखिए अब ये मेघ था। जय श्री राम, जय श्री राम। मनुष्य का देश होने वाला चाहे त्रेता युग हो या चाहे कलयुग हो, असत्य कभी भी सत्य पे विजय नहीं हो सकता। इसका प्रमाण है दशहरा। दशहरा पे जब श्री राम प्रभु ने रावण के नाभि पे तीर मार कर उसे जब पराजय किया था, तब से ही माना जाता है और तब से ही बोला जाता है कि कभी भी असत्य सत्य पे विजय नहीं हो सकता। इसलिए इससे हमें सीखना चाहिए कि हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं को उत्पन्न होने से रोकना है और एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लाइफ अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो कुछ जो भी चीज़ें आपको पॉजिटिव मिलती है उसे पॉजिटिविटी लीजिए। और जैसे ही रावण दहन हुआ, लोगों में घर जाने की जल्दी हो गई क्योंकि इतनी भीड़ है, निकलने में मुश्किल होता। और देखिए रील बनाया जा रहा है, खुशी का इजहार किया जा रहा है रील्स बनाकर। अब जैसे कि देख सकते हैं, देखिए बच्चे पूरा चिल्ला रहे हैं जय श्री राम को उद्घोष लगा रहे हैं और रील्स बना रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है सामने से पटना में, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। लास्ट ईयर जब मैं आया था तो मेरे आने से पहले ही रावण का दहन हो चुका था क्योंकि उस समय बारिश हुई थी और रावण का दहन हो गया था। और इस बार मैं पहली बार देखा हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जय श्री राम। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मैंने पूरा रावण दहन को कैप्चर करने की कोशिश किया ब्लॉग में, और बताइएगा कि मैंने ब्लॉग कैसे बनाया कमेंट करके। और रावण दहन से रिलेटेड आपकी कोई भी मेमोरीज होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये था गांधी मैदान, पटना का गांधी मैदान। और तो चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर लगे तो, और कमेंट कर दीजिएगा। जय श्री राम, भारत माता की जय।